अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास सेकंड ईयर का जो आज हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें हम नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड को डिस्कस कर रहे थे। तो पहला हमारे पास था डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। अब जो सेकंड ऑक्साइड है वो है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड NO। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी क्या करनी है, प्रिपरेशन देखनी है कि हम NO को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि आपके पास जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसको आप प्रिपेयर करते हैं, इसमें आपने मेटालिक जिंक लेनी है और उसका आपने रिएक्शन कराना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर और उसके साथ बाई प्रोडक्ट्स। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो मेटल है वो कौन सी है, कॉपर। तो कॉपर की आपने ऑक्सीडेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो कॉपर ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट के अंदर, कॉपर नाइट्रेट। यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। अब ये जो रिएक्शन लिखे हुए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आनी चाहिए, आपने फर्स्ट ईयर में इन डिटेल पढ़ी हुई है कि कोई भी एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या कोई कंपाउंड है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन साथ की, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। यानी कि ऑक्सीडाइज में मीन के उसमें क्या होगा कि चार्ज इंक्रीज करेगा। चार्ज इंक्रीज कैसे करेगा, जितने उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके ऊपर उतना ही चार्ज आएगा। तो रिडक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिडक्शन में चार्ज कम हो जाएगा और ऑक्सीडेशन में चार्ज उसका इंक्रीज। सपोज कि आपके पास यहाँ पे कॉपर है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लेट्स सपोज जीरो है, लेकिन प्रोडक्ट में आगे जाएं तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज करें कि आपके पास ये टू है, तो इट्स मीन कि ये कॉपर क्या होगी, ये ऑक्सीडाइज होगी है। इधर आपके पास अगर कॉपर जो है वो किसी भी कंपाउंड के साथ है, कोई एक्स कंपाउंड है, यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, इधर जाके वो प्लस वन के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ऊपर वाला जो कॉपर है ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, और नीचे जो आपके पास कॉपर है ये रिड्यूस हुआ। तो इस इक्वेशन में भी आपने क्या करना है कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो वही मैथड जो आपने पीछे फर्स्ट ईयर में पढ़े उन्हीं को यूज करके उसको आपने दोबारा देखना है कि कैसे आपने उसको किया था, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट के अंदर। बाकी आपके पास जो आपको मेन चीज चाहिए वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO और इसके साथ वाटर। ये तो था फर्स्ट रिएक्शन। अब सेकेंड इसकी जो प्रिपरेशन का मेथड है वो आपने क्या करना है कि इसमें आपने गैस को यूज करना है, यानी कि एयर को आपने क्या करना है कि एयर को आपने पास करवाना है। एयर से आपने इलेक्ट्रिक आर्क यानी कि जो बिजली होती है या जो लाइट होती है उसकी आपने चिंगारी सी पास करवानी है, तो ये दोनों गैसें आपस में मिल जाएंगी। अब एयर के अंदर कौन कौन सी गैस है, एक तो नाइट्रोजन गैस N2 गैस है और दूसरी आपके पास कौन सी है, ऑक्सीजन। बहुत सारी गैसें, लेकिन आपको यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रिपरेशन चाहिए, तो आप उसके लिए कौन सी गैस यूज कर रहे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये दोनों गैसें जो हैं वो एयर के अंदर मौजूद हैं। जब आपने क्या करना है कि इनसे इलेक्ट्रिक आर्क को पास करवाना है, यानी कि जैसे ही इनसे बिजली का जो है चूल्हा पास होगा तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगी, कंबाइन होके ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, NO के अंदर, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर। अब ये वाला जो आपके पास रिएक्शन है ये आपके पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें आपके पास ये रिएक्टेंट है, इनको आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपने कंबाइन किया, तो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, डाई नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर। अगर आप इसकी डीकम्पोजिशन यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को आप बैक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये डीकम्पोज होके दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि रिएक्टेंट्स को आपने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया और प्रोडक्ट्स को अगेन आप रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे प्रिपरेशन के मेथड नाइट्रोजन ऑक्साइड की। अब आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मेथड को कंपेयर करें तो इसमें क्या डिफरेंस है, पहले में जो डिफरेंस है वो ये है कि वहां पे आपने जिंक मेटल ली थी और आपके पास जिंक नाइट्रेट बना था और नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बना था।
बाकी वाटर मॉलिक्यूल और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। लेकिन यहाँ पे आपने जो चीज ली है वो आपके पास क्या है, कॉपर है, कॉपर नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सेकेंड जो मेथड था उसमें आपने अमोनियम नाइट्रेट लिया था, उसकी डीकम्पोजिशन हुई थी और यहाँ पे आपने क्या करना है कि एयर से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करना है और वो कन्वर्ट हो जाएंगी नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर। दो ही मेथड थे इसकी प्रिपरेशन के। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज है नाइट्रोजन ऑक्साइड। जैसे आपने नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज देखी कि वो एक कलरलेस गैस है, सॉल्युबिलिटी उसकी देखी, उसके बाद उसका जो टेस्ट स्मेल वगैरह, इसी तरह नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है इसके प्रॉपर्टीज क्या है। और देखिए ये भी आपके पास क्या है, एक कलरलेस गैस है। कलरलेस गैस है फर्स्ट इसकी जो इसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको एयर से कंपेयर करें, यानी कि एयर के अंदर भी क्या है गैसेस हैं, तो ये हैवियर है एयर से, यानी कि एयर के अंदर जो गैसेस हैं उनसे ये हैवी है। इसके बाद अगर इसको इसकी सॉल्युबिलिटी को देखें वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज थी। अब हमने इसके रिएक्शंस देखने हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के बाद। जो इसका रिएक्शन है वो रिएक्शन है इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, फर्स्ट इसका रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिएक्शन में ऑक्सीजन, आप कहते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास क्या चीज बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। जब ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी, ये भी आपके पास क्या है, एक गैस। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास जो चीज बनेगी वो क्या है, 2NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो कहते हैं कि ये जो आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिलने से जो गैस बनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका अगर कलर देखें तो ये किस कलर की गैस होगी, रेडिश ब्राउन कलर की आपके पास ये गैस बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब जो इसका सेकंड रिएक्शन है वो है आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट था ऑक्सीडेशन, सेकंड क्या है, डीकम्पोजिशन। यानी कि ब्रेक हो, अब वो कहता है कि आपके पास जो नाइट्रोजन ऑक्साइड था ये डीकम्पोज होगा और डीकम्पोज होके ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, नाइट्रोजन गैस के अंदर और ऑक्सीजन गैस के अंदर, और फिर ये स्पोर्ट करते हैं कि इसमें कम्बस्टन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो आपके पास NO2 गैस। अब ये जब डीकम्पोज होगी, डीकम्पोजिंग इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर ये डीकम्पोज होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, नाइट्रोजन गैस के अंदर और ऑक्सीजन गैस के अंदर, और ये सपोर्ट करती है कि इसमें कम्बस्टन है। अब आपने जब इसकी प्रिपरेशन बढ़ी है नाइट्रोजन ऑक्साइड की, तो उसका जो प्रिपरेशन का सेकंड मेथड था उसमें आपने देखा था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलेगी तो क्या चीज बनेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखा था रिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों साइड पे रिएक्शन। लेकिन अगर आप उसी को होल्ड करते जब ये बंद, अब आपने क्या करना है कि इसकी ब्रेक डाउन करनी है। ब्रेक डाउन के लिए टेम्परेचर आपके पास इसका 1000 डिग्री सेल्सियस है, इस टेम्परेचर के आप ऊपर आप इसकी ब्रेक डाउन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी दोबारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि जिन चीजों से ये मिलकर बनी थी दोबारा उन्हीं के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ऊपर मेंशन है कि आपके पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट इसका जो रिएक्शन है वो है हैलोजिन के साथ। अब हैलोजिन आपको पता है कि ग्रुप 7 है, जितने भी मेंबर्स हैं उनको आप क्या कहते हैं, हैलोजिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके पास सारे क्या है, हैलोजिन। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो किसके साथ है, हैलोजिन। और कहते हैं कि आपके पास ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है जब ये हैलोजिन के साथ रिएक्ट करती है
तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है उसे कहते हैं नाइट्रोसाइड। अब जो हैलोजन अटैच होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ उसी के बेस पे आप उसको नाम देंगे। अगर तो वो कलोराइड है तो आपके पास क्या होगा नाइट्रोसाइड कलोराइड, अगर ब्रोमाइड है तो नाइट्रोसाइड ब्रोमाइड, अगर फ्लोराइड है तो नाइट्रोसाइड फ्लोराइड। तो नेक्स्ट इसका रिएक्शन है फर्स्ट ऑक्सीडेशन, सेकंड डीकंपोजिशन और थर्ड हमें इसका रिएक्शन देखना है रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो कहते हैं कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO ये गैस है, जब ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगी, अब हैलोजन आपके पास क्या है नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जो है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो आपके पास हैलोजन क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसका आपने रिएक्शन करवाना किसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर नाइट्रोसाइड क्लोराइड NOCl2। नाइट्रोसाइड क्लोराइड आपके पास ये गैस बन जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ चार वोल्टेज, जो कोयला आता है उसकी प्रेजेंस में। अब वो कहता है कि जो नाइट्रोसाइड, अगर आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड का ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाया तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा नाइट्रोसाइड ब्रोमाइड, अगर फ्लोराइड के साथ है तो वो नाइट्रोसाइड फ्लोराइड। इसमें आपके पास नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और इधर आपके पास हैलोजन ग्रुप अटैच होगा। अब हैलोजन को जनरली आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, नाइट्रोजन डबल बार ऑक्सीजन और इसके साथ कोई और ग्रुप, जब हैलोजन अटैच होगा तो फिर तो उसका स्पेसिफिक नाम हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन डबल बार ऑक्सीजन इस सारे को हम क्या कहते हैं नाइट्रोसाइड ग्रुप। अब ये नाइट्रोसाइड ग्रुप के साथ जब हैलोजन अटैच होगा तो उसकी बेस पे आप उसको नाम दे देंगे नाइट्रोसाइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड। तो ये रिएक्शन था इसका रिएक्शन भी हैलोजन। नेक्स्ट इसका जो रिएक्शन है उसे कहते हैं रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट और नाइट्रेट टेस्ट, यानी कि आपने क्या करना है कि नाइट्रेट को नाइट्रेट जो है उसकी कंफर्मेशन के लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है उसे कहते हैं नाइट्रेट टेस्ट या फिर रिंग टेस्ट और ब्रोम कलर एडिशन ब्रोम रिंग टेस्ट। ब्रोम रिंग टेस्ट इसको क्यों कहते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है उसका कलर होता है ब्रोम, इसलिए उसको ब्रोम रिंग टेस्ट कहते हैं। अब इस टेस्ट के लिए आप जो चीज यूज करते हैं वो आपके पास क्या है फेरस सल्फेट FeSO4। अब आपने क्या करना है कि फेरस सल्फेट जो है, लेट्स सपोज आपके पास कोई सैंपल है ए बी जो भी है, ठीक है सपोज ए सैंपल है, उस सैंपल के अंदर आपने ये देखना है कि आया इस सैंपल के अंदर नाइट्रेट मौजूद है या नहीं NO3। तो आपने क्या करना है कि उस सैंपल के अंदर फेरस सल्फेट को डालना है, जब आपने सैंपल को फेरस सल्फेट के अंदर सॉरी फेरस सल्फेट को सैंपल के अंदर डाला, अगर सैंपल का सॉल्यूशन का कलर ब्राउन हो गया तो इट्स मीन कि उस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास क्या है नाइट्रेट प्रेजेंट है, अगर उसका कलर चेंज नहीं होता तो इट्स मीन कि नाइट्रेट वहां पे मौजूद नहीं है। तो नाइट्रेट की कंफर्मेशन के लिए उसकी प्रोसेस के लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं उसे कहते हैं रिंग टेस्ट। और ये टेस्ट जो है वो कैसे होता है, आपने फेरस सल्फेट का रिएक्शन करवाना किसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर FeSO4.NO। तो इसमें सिंपली क्या है कि आपके पास ये गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस डाली और इसी के अंदर फिर आपने क्या चीज डाली है फेरस सल्फेट FeSO4। जब आपने फेरस सल्फेट डाला अगर तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो सॉल्यूशन है इसका कलर ब्राउन हो गया तो इट्स मीन कि यहाँ पे नाइट्रेट
प्रेजेंट है, अगर इसका कलर चेंज नहीं होता, ब्राउन ही होता, तो एगेन हाइड्रेट इसके अंदर अब्सेंट होगा। तो रिंग टेस्ट क्या है, इसको आप किसके लिए यूज करते हैं, इसको आप नाइट्रेट की कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं, और ये पेपर में 60% भी पूछ लेता है व्हाट इज रिंग टेस्ट। तो सिंपली क्या है, फेरस सल्फेट को आप रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, आपके पास क्या चीज बनती है, FeSO4.NO। तो अगर तो उसका उसके अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट होगा तो उसका कलर ब्राउन होगा, अगर उसका अंदर नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसका कलर ब्राउन हो जाएगा, अगर नाइट्रेट वहां पे नहीं है तो उसका कलर चेंज, उसका कोई और कलर होगा, या तो वो कलर टेस्ट हो जाएगा या फिर किसी भी और कलर के अंदर वो चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसका नाइट्रोजन ऑक्साइड का, वो रिएक्शन है रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाना है। आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, ये आपने पहले भी पढ़े हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट वो उनको हम कहते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिड्यूसिंग एजेंट किसे हम कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग को दूसरों को रिड्यूस करते हैं, मीन के दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं लेकिन खुद उनकी क्या होती है ऑक्सीडेशन। जैसे आपके पास कोई एक एलिमेंट है ए, अब इसने जब इसकी इसे एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस वन इलेक्ट्रॉन। अब कोई और एलिमेंट है बी, वो क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा अपने अंदर। अब क्या हुआ, आपके पास जो ए था ये ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन इसने रिड्यूस किसको कर दिया, बी को, इसको इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया और खुद इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, खुद इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो कहते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बिहेव करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूस होके ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन के अंदर। अब रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, इसका आपने रिएक्शन करवाना है नाइट्रोजन गैस के साथ। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, नाइट्रोजन रिड्यूस करके उसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर N2O के अंदर H2O, और इसके साथ आपके पास क्या चीज बच जाएगी, सल्फर। सेकेंड इसका रिएक्शन है रिएक्शन विद फास्फोरस एसिड, एक आपने पढ़ा है सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, एक आपने पढ़ा है H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 इसे कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड तो ये उसको सल्फ्यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, और साथ आपके पास क्या चीज बन जाएगी, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है आपके पास ये ऑक्सीडाइज करता है किसको, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड को किसके अंदर, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर या फिर नाइट्रिक एसिड के अंदर। ये इसका रिएक्शन आपकी बुक में यहाँ पे गिवन है कि ये इसको ऑक्सीडाइज करके किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये थे हमारे पास प्रिपरेशन रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड NO की। आप उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी वो आपने देखनी थी और साथ उसके रिएक्शन। तो रिएक्शन विद नेम आप उनको याद करेंगे तो तभी जाके आपको ये याद रहेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन है, हैलोजन के साथ रिएक्शन है, रिंग जो टेस्ट है या नाइट्रेट टेस्ट है, उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ये कैसे बिहेव करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।